अगर आप डॉग लवर हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि अगर आप पिटबुल टेरियर अमेरिकन बुलडॉग घर में लाना चाहते हैं तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते। और तो और 23 नस्लों के डॉग्स को आप नहीं पाल सकते, क्योंकि इन नस्लों के डॉग्स ने कई लोगों की जान ले ली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। केंद्र सरकार ने राज्यों को पिटबुल टेरियर अमेरिकन बुलडॉग रॉटवाइलर और मॉस्टिफिस सहित 23 नस्लों के आक्रामक कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे दिया है। सरकार ने यह निर्देश ऐसे समय में दिया जब देश में पालतू कुत्तों के हमलों में लोगों की मौत की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली। वहीं कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी निर्देश के मुताबिक लोगों को पालतू जानवरों के रूप में 23 नस्लों के कुत्तों को रखने की मनाही होगी। दरअसल केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर ये कहा है कि कुत्तों की नस्लों जिन्हें पहले ही पालतू जानवर के रूप में रखा गया है उनका आगे प्रजनन नहीं हो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए और ऐसे कुत्तों को कोई घर में नहीं पाल सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आपको फटाफट से बता देते हैं कि वो कौन कौन सी नस्लें हैं जिन नस्लों के कुत्ते आप नहीं पाल सकते। इन नस्लों के नहीं पाले जा सकते हैं कुत्ते पिटबुल टेरियर टोसा इनो अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर फिला ब्रासलीरो डोगो अर्जेंटिनो अमेरिकन बुलडॉग बोअर रॉयल कांगल मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग कॉकेशियन शेफर्ड डॉग इसके अलावा दक्षिण रूसी शेफर्ड डॉग टॉन जैक सरप्लानी डेक जापानी टोसा और अकिता मास्टिफ टेरियर्स रोडेशियन रिजबैक वुल्फ डॉग कैनारियो अकबाश डॉग मास्कोगार्ड डॉग कैन क्रोसो और बैंडॉग नस्ल के कुत्तों के पालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश के बाद अब स्थानीय प्रशासन और नगर निगम प्रतिबंधित डॉग्स की बिक्री और ब्रीडिंग के लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। ब्रीडिंग रोकने के लिए जिन घरों में इन ब्रीड्स के डॉग्स पले हैं उन्हें स्टरलाइज किया जाएगा। 3 महीने में राज्य सरकार फैसला लेगी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल रूल 2017-18 यानी डॉग ब्रीडिंग मार्केटिंग पेट शॉप कानून सख्ती से लागू होगा और इन नस्लों के कुत्ते किसी भी घर में पाले नहीं जा सकेंगे। फिलहाल जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश का भोपाल ऐसा प्रदेश है जहां भोपाल में 50,000 प्रतिबंधित खूंखार कुत्ते पल रहे हैं। इनमें पिटबुल रॉटविलर अमेरिकन बुलडॉग जैसी नस्लें हैं जो कईयों को घायल कर चुकी हैं और कईयों को मौत के घाट भी उतार चुकी हैं। दरअसल 15 जनवरी को भोपाल के मिनाल रेजिडेंसी क्षेत्र में कुत्तों ने 7 महीने के बच्चे के हाथ काट लिए थे जब उसकी मौत हो गई थी। 23 जनवरी को भोपाल के मिसरौद में कुत्ते के काटने से 4 साल के बच्चे की रेबीज फैलने से मौत हो गई थी। महापौर हेल्पलाइन पर 23 जनवरी तक 600 शिकायतें कुत्तों के काटने की आई। 29 जनवरी को ग्वालियर में एक पालतू रॉटविलर भूखा था, एक व्यक्ति ने उसे गेट आउट कहा तो रॉटविलर ने उसे घायल कर दिया। 5 अगस्त 2023 को कटारा हिल्स में भेल के डिप्टी मैनेजर गौतम सिंह की 6 साल की बेटी को पड़ोसी के रॉटविलर कुत्ते ने काट खाया था। ऐसे ही मामले पूरे देश से सामने आ रहे थे, इसलिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। दरअसल बीते कुछ सालों में कुत्तों के द्वारा लोगों पर हमले की इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि जो चिंता पैदा करती हैं। आए दिन कुत्तों की ओर से मालिक या अन्य व्यक्ति पर हमले की घटनाएं सामने आती रही हैं। यहां तक कि कई बार आपने छोटे बच्चों को काटने की खबर भी सुनी होगी। इसी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एनिमल वेलफेयर बॉडीज और एक्सपर्ट की एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने केंद्र को सलाह दी कि विदेशी नस्ल के कुत्ते उग्र हो जाते हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को ये सलाह दी है कि इन कुत्तों के अलावा मिक्स और क्रॉस ब्रीड के अन्य कुत्तों पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। केंद्र ने राज्यों से गुजारिश करते हुए कहा है कि स्थानीय निकाय ऐसे कुत्तों की बिक्री और प्रजनन के लिए कोई लाइसेंस या परमिट जारी नहीं करें। इसके अलावा इनकी बिक्री पर रोक लगाई जाए, जिसका सभी को सख्ती से पालन करना होगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।